ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। सो स्टूडेंट्स, अटेस्टेशन लेटर के बारे में आई होप आप सबको परफेक्ट क्लैरिटी आ गई होगी। अब हर स्टूडेंट जानना चाहता है कि अटेस्टेशन लेटर से पहले जो फाइलें लगी थी उनका किस तरीके का रिजल्ट ट्रेंड है, और जो अब अटेस्टेशन लेटर के बाद लगी हैं उनका रिजल्ट ट्रेंड किस तरीके का है। सो डिटेल में डिस्कस करेंगे ये दोनों ट्रेंड। आज हमारे साथ हैं ब्रॉडवे इमिग्रेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अमरजीत सिंह कंवर। कंवर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर जी। सो कंवर साहब, दोनों जो ट्रेंड है उनमें क्या कोई बड़ा डिफरेंस दिख रहा है? देखिए, अभी जो मैं कहूँगा अटेस्टेशन के साथ लगने वाले केसेस बहुत कम हैं, अभी वो बहुत ज़्यादा नहीं है कि उसको हम ट्रेंड के सिनारियों में लें। बट डेफिनेटली जिन बच्चों की फाइल्स पहले से लगी हुई हैं, मतलब जिनके रूल्स चेंज होने से पहले फाइल्स लगी थी, जनवरी 22 को ये रूल चेंज हुए थे, तो उससे पहले जो फाइल्स लगी हैं उनके रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। जिनका कम GIC के साथ लगा है उनका भी पॉजिटिव आ रहा है, जिनका इंक्रीज्ड GIC के साथ लगा है वो भी पॉजिटिव आ रहा है। मतलब उनके साथ अटेस्टेशन लेटर नहीं है लेकिन उनके वीज़ा अफेक्ट नहीं हो रहे, कोर्सेज के कारण अफेक्टेशन नहीं है, सक्सेस रेट इज मेंटेन्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो अटेस्टेशन लेटर के साथ वीज़ाज हैं वो भी कम है, हमारे पास भी गिनती के ही हैं थोड़े बहुत। सो उसका जो रिजल्ट है डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आई थी, मास्टर्स वालों को, जिन्होंने अटेस्टेशन लेटर नहीं लगाया क्योंकि उन्हें लगाने की भी ज़रूरत नहीं है टेक्निकली, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको ये रिफ्यूज़ल आ गया कि आपके साथ अटेस्टेशन लेटर अटैच नहीं है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आई एडवाइज यू कि जो आप SOP बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाओ, उसमें ये ज़रूर मेंशन कर दो साथ में कहीं पर भी ब्रैकेट डाल के या अलग से नोट बना के कि भाई इसमें मेरा अटेस्टेशन लेटर नहीं है बिकॉज आई एम गोइंग फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम, और मास्टर्स में जाने वाले स्टूडेंट जो हैं वो अटेस्टेशन लेटर से एग्जेम्प्टेड है, तो ताकि ये दिक्कत आपको ना दे। क्या कहना चाहते हैं? तो क्या जिनको रिफ्यूजल आ गया इस सिनेरियो में मास्टर्स वालों, हाँ वो बच्चे डेफिनेटली वो रीअप्लाई करेंगे, उनके पास यही ऑप्शन है, और रीअप्लाई के बाद डेफिनेटली उनका वीजा भी आएगा क्योंकि उनके प्रोफाइल के अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो ऐसी दिक्कत शुरू शुरू में हुई है, आई डोंट थिंक सो कि अभी भी बच्चों को ये होती होंगी, बट इन केस जस्ट फॉर द सेफ साइड अगर आप ये करके चलेंगे तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव रिजल्ट ही रिसीव करेंगे। जो कनाडा की सख्ताई हुई है, जो टफनेस हुई है, जो रूल्स बने हैं, जो कैपिंग लगी है, ये कैपिंग का मतलब ये नहीं है कि आपका रिफ्यूजल रेट बढ़ेगा। इस कैपिंग का ये मतलब है कि लिमिटेड फाइल्स लगेंगी, और लिमिटेड फाइल्स अच्छे कोर्सेज में, अच्छे कॉलेजेस में ही लग सकती हैं। सारे बच्चे तकरीबन अब गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस में जाएंगे या तो यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, तो दोनों ही जगह जब ये बच्चे जाएंगे तो डेफिनेटली इनको ये जो प्रॉब्लम है रिफ्यूजल्स की वो नहीं आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी एक स्टैंडर्ड अच्छा क्राइटेरिया होता है, वो अच्छे प्रोफाइल्स को ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ख़ासकर इस बार क्योंकि उनके पास लिमिटेड सीट्स हैं तो वो और भी ज़्यादा फिल्टर करके प्रोफाइल्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो फिल्ट्रेशन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ अपनी सीट्स के चक्कर में करेंगे, कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट को एक बड़ा आउटकम देगा कि मतलब मार्केट में जो रिजल्ट दिखेगा वो ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिखेगा। सो आपने जैसे कहा अभी रिजल्ट कम आए हैं, कितनी देर में आपको लगता है ट्रेंड जज करने का टाइम आ जाएगा? कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो वेट करते हैं कि पहले ट्रेंड समझ आ जाए फिर फाइल लगाएं। देखिए, रिजल्ट लगातार आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कम है, बट हाँ क्योंकि अभी फाइल्स ही जो हैं वो मार्च 23 के बाद ये लगनी शुरू हुई हैं, सॉरी 31 मार्च के बाद कुछ कॉलेजेस ने पहले अटेस्टेशन लेटर देने शुरू कर दिए थे मिड ऑफ मार्च तक। तो आप लेके चलो कि अभी हम अप्रैल एंड में हैं, तो जो मई एंड होगा जिसमें मई इनटेक के मोस्टली बच्चे वीज़ा रिसीव कर चुके होंगे, सितंबर के लिए कई बच्चों ने अप्लाई कर दिया है तो वो भी अपने वीज़ा से रिसीव कर चुके होंगे, तो उनके कंक्लूजन के बाद डेफिनेटली जो पहले से एक्सपेक्टेड ही है कि रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आने हैं ज़्यादातर, लेकिन जो ट्रेंड देखना चाहते हो, जो एक मार्केट में पॉजिटिविटी देखना चाहते हो, जो मार्केट में एक वीज़ा ही वीज़ा देखना चाहते हो, वो डेफिनेटली वीज़ा ही वीज़ा आपको दिखना शुरू हो जाएगा कुछ ही समय। सो स्टूडेंट्स, कनाडा से आपको अपडेट रखेंगे हम, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें, कोई सवाल आपका अनआंसर्ड रह गया तो ब्रॉडवे की टीम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।